एक अध्यापक नूं वखो वखरे स्कूलां दे विच ना विद्यार्थियों का विश्लेषण करन वास्ते भेजिया गया। इको जमात दे अलग अलग स्कूलां दे विद्यार्थियों का विश्लेषण करन वास्ते एक अध्यापक नूं भेजिया गया। जदों वो वापस आया उन्हें जो कुछ नोट किया अपने वड्डे मैंबरां दे सामने वो गल पेश कीती। उन्हें आके दसिया कि जेड़ा स्कूल ए है, मैं स्कूल का नाम नहीं ले रहा, ए ते बी करके मुखातब करांगा स्कूल नूं, जेड़ा स्कूल ए है उहदे जिहड़े विद्यार्थी ने ना उन्होंने उहदे वल्लों पाई हुई प्रीख्या पास ते कीती है, पर वो जड़े विद्यार्थी ने अगां वधू नहीं ने आखो वाहिगुरु। विद्यार्थियों ने प्रीख्या पास ते कीती है पर उन्हां दे अंदर अगे वधण दी कोई चाहना नहीं है, कुछ नवा सिखण दी कोई अंदर लालसा नहीं है। पर जड़े स्कूल बी दे विद्यार्थी ने उन्होंने भावें प्रीख्या दे विच चंगा प्रदर्शन नहीं कीता पर उन्हां दे विच उभरण दी बेहतर संभावना है। आखो वाहिगुरु। ते जिहड़े अधिकारी सी इहदे तों वड्डे सी उन्होंने इहदा कारण पुछिया ते अगों फिर उह अध्यापक ने कारण पता की दस्सिया, कहिंदे जिहड़े स्कूल ए दे विद्यार्थी ने ना उह अपने नतीजियां तों खुश ने कि असी प्रीख्या पास कर लईए, असी नंबर सोहणे लै लए ने। कहिंदे जदों मैं उन्हां कोलों पुछिया जे इस तों तुहानूं सख्त प्रीख्या होर दित्ती जावे, फिर कहिंदे उन्होंने उह सख्त प्रीख्या देण तों इनकार कर दिता। जिन्ने उन्हां दे नंबर आए ने उह नंबरां तों ही खुश ने, ते जे कोई होर इस तों औखा पेपर उन्हां दे उत्ते पाया जावे उह देण नूं उह तैयार नहीं, उहदे बारे उन्होंने इनकार दिता। ते कहिंदे जदों मैं हिसाब का सवाल हल करन दे लई एक अलग तरीका उन्होंने दसिया ते ओ उस तरीके नूं समझ नहीं पाए। सुनन वाली गल जे कहिंदे मैनू इदां लगदा है कि उन्होंने इको तरह के सबक नूं ना गले नाल लगा के रखे है, बस इको चीज। कई बार साढ़े विच वी ते हुंदे ने ना, बस जिहड़ी चीज दिमाग दे विच फिट हो गई बस इहो ही चलनी है सारी जिंदगी। पर इदां ते नहीं हुंदा, सानू भी कई बंदे मिलदे ने जी ये गल दा तुसी आंसर दिओ, ये गल साढ़े अंदर आई है इहदी विचार करो। हुण तुसी ओ लोकां दे नाल जिन्नी मर्जी विचार करनी शुरू कर दिओ पर जद तक जेड़ा जवाब उस विचार दा या उस प्रश्न दा उहनां ने सोच के रखे है, जद तक तुसी उन्हां दे मुताबक जवाब नहीं ना दोगे उन्हां दी तसल्ली नहीं होएगी। इको तरह की चीज़ नूं अपने अंदर अपना के बैठे होंदे ने। कई तुसी इधर उधर अपने भी नोट करना, कई इहो जिहे ने जिहड़े पुराने रीति रिवाजां नूं अपना के बैठे ने, बस आ चीज़ इदां है ते इदां ही है। नवीं चीज़ सीखण की चाहना है ही कोई नहीं। जे साढ़े वड्डे वडेरे पिपलां नूं पानी देंदे सी ते असी भी देना है, कोई चेंजस नहीं आया लाइफ दे विच, कोई बदलाव नहीं आया। जे साढ़े वड्डे वडेरे कबरां नूं पूजदे सी, मड़ियां मसाणियां नूं पूजदे सी ते असी भी पूजना है उसे तरह, कोई लाइफ दे विच चेंजस आई ही नहीं। कि मेरे वड्डे गलत कर रहे सी पर मैं वड्डा, जेड़ा मैनू गुरु रामदास सच्चे पातशाह जेड़ा मेरे उपर वड्डा बैठा है, मेरा मालक बैठा है, वो मैनू वेख रहा। जे मेरे बजुर्ग वड्डे वडेरे ये गलत काम कर रहे सी ते मैं वो वड्डे दी औलाद हाँ जेड़ा सारी सृष्टि नूं पाल रहा, ते मैं भुल के भी ये गलती नहीं करनी। आखो वाहिगुरु। धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास गज के आखो ना धन बाबा दीप सिंह, फिर आखो धन बाबा दीप सिंह। कई लोग हुण भी तुसी तक्को पुराने रीति रिवाजां नूं ही अपने गले नाल ला के बैठे हुंदे ने, बदलाव नहीं है। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਏ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ
अलग तरीके दे नाल उना नू उदा हल करन दी जाच सिखाई ते ओ तरीके नू ओ समझ ही नहीं पाए ते केंदे मैनू एदा महसूस हो गया कि ओ इको तरह दे सबक नू इको तरह दे लैसन नू इको तरह दे सवालां दे हल नू अपने गले नाल ला के बैठे ने ते ओ बदलन दे लई तैयार नहीं ने। आखो वाहिगुरु वाहिगुरु धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी सारे आखो ना धन बाबा दीप सिंह जी ते कहिंदे इहदे उल्ट स्कूल बी दे विद्यार्थी असफल होण तों बाद भी नहीं हटे ओ सख्त तों सख्त चुनौती दा सामना करन दे लई तैयार सन नवे ढंग तो सिखण लई भी ओ तैयार सन हर चीज नू ओ ग्रहण करन लई तैयार सन जेड़ी उना दी तरक्की कर सकदी है। नवे नवे तरीके सिखण तो पिछे नहीं होए हर चुनौती दा सामना करन लई भी ओ तैयार सन। किंदे मैं इस नतीजे ते पहुंचिया स्कूल बी दे विद्यार्थी उना दे अंदर तरक्की करन दी जड़ी लालसा है ना एक दिन उना नू टॉपर बना ही देवेगी। पर जेड़े स्कूल ए दे विद्यार्थी ने ना जिन्होंने बस इको तरह दा सबक अपने गले नाल लाया नंबर भावे प्रीख्या विच्चों उना दे वध आए ने पर ओ बच्चे अगां नहीं कदी वध सकदे। हुण बस आ चीज नू ना गुरमत दे नाल जोड़ के वेखो आ चीज नू परमार्थ दे नाल जोड़ के वेखो अपने माइंड दे विच ओ लोकां दी कल्पना करो जेड़े हर वेले जात पात ऊच नीच आ चीजां विच पक्का विश्वास रखदे ने। मैं उच्ची जात दा मां फलाना नीवी जात दा है मैं चंगा कम करदा फलाना मंदे कम करदा है ते प्यारे ओ कदी उना लोकां दे कोल बह के वेखणा कदी भी ओ लोक ए चीजां तों बार आउणा चाहणगे नहीं। आखो वाहिगुरु जे मैं ए भी लफ़ज़ वरतदे आं ए चीजां विच्चों बार आउण दा ओ सुपना भी नहीं वेख सकदे ते इहदे विच भी अत कठनी वाली गल कोई नहीं। बाबे नानक तों पहले भी इहो हिसाब सी ना गुरु बाबा नानक जी तों पहलां भी आही हिसाब सी ऊच नीच दियां दीवारां नफरत दियां दीवारां मैं मेरी दियां दीवारां किते जात दे नाम दे उत्ते समाज नूं वंडिया किते प्यारे ओ अमीरी गरीबी दे नाम ते समाज नूं वंडिया किते ऊच नीच दे नाम ते समाज नूं वंडिया। पर जदों पिता जी आए ते प्यारे ओ उहनां ने तकिया ए ते जेड़ी वंडे ए सही नहीं है। आखो वाहिगुरु धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी गज के आखो ना धन बाबा दीप सिंह जी ते महाराज ने फिर सब नू समझाया कि जेड़ा लहू किसे अमीर दियां रगां दे विच वग रहा है ओ ही गरीब दियां रगां दे विच है ए नहीं कि जेड़े शाहूकार ने उना दा लहू दा रंग लाल ते दूजे दा होर रंगे। हवा जदों चलदी है कदी भी ए नहीं कहिंदी मैं उच्ची जाति वाले नूं ज्यादा ठंडक देनी है ते नीवी जाति वाले नूं मैं लगना कोई नहीं। सूरज जदों धुप देंदा है सूरज दी धुप भी सब लई समानता दे नाल ही आउंदी है ते महाराज ने जदों ए उपदेश दिता ना सारिआं नूं परमेश्वर दे नाल जोड़न दा ते फिर कईआं ने उस वेले महाराज दी विरोधता भी कीती ते जिहड़े आउंदे सी ना महाराज दे नाल तर्क करन वास्ते ते जदों साहिब दीआं सुणदे सी विचारां ते फिर महाराज दे अगे अपना आप समर्पित कर देंदे सी। आखो वाहिगुरु वाहिगुरु धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी गज के आखो ना धन बाबा दीप सिंह जी। इत्थे मेरी बेनती है जे तुसी उन्हां गल्लां बारे बहुत फकर करदे हो ना जिहड़ियां तुहानू पहले तो पता ने ते प्यारिओ फिर तुसी किसे नवी गल दी सिखलाई नहीं लै सकते।
मैं ये नहीं कह रहा कि सानू अपने विश्वास ते शक होना चाहिए, पर यह गल अपने माइंड विच पक्की रखो। पता केड़ी, अपने विश्वास दे उते शक भी नहीं करना, पर नवा ज्ञान सीखण दे लई अपने मन नू खुला रखो। आखो वाहिगुरु, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गज के आखो ना धन बाबा दीप सिंह जी। अपने विश्वास दे उते शक नहीं, पर नवा ज्ञान सीखण लई, नवी चीज सीखण वास्ते, नवी कोई ना कोई टेक्निक सीखण वास्ते, जिंदगी विच अगां वधण दे वास्ते, कोई नवा ज्ञान लैण दे लई तैनू अपने मन नू खुला रखना ही पएगा। ते सच्ची गल है, साडा नाम ही सिखे, ते सिख होण दे नाते सानू हौमे तों बिना हर वेले कुछ ना कुछ नवा सीखना चाहिए। हर वेले जी इको गल ते अड़े रहना, ए फिर सिखण दी ते विकास दी मौत है। फिर मैं दोहरा दिया, इको गल ते खड़े रहना, बस आही सिस्टम है। वेखो गुरु गोबिंद सिंह साहब मालक पिता जी नो सब कुछ पता है, की होया है, की हो रहा है, की होने वाला है, सब जानते ने दाता जी। ते सतगुरु दसो गुरबाणी दे अर्थ फिर लिख नहीं सी सकते, करवाए ने महाराज जी ने अर्थ पर लिखे नहीं। महाराज नूं पता है जे मैं लिख दिते ते ए पक्की मोर लग जानी है। महाराज ने उत्थे फिर साडे उत्ते ए गल सुट दित्ती कि जेड़ा गुरबाणी दे डूंगे समुंदर दे विच जिन्नियां डूंगियां चुबियां मारेगा, ओने ही कीमती अर्थ, ओने ही कीमती हीरे मोती बाहर कढ़ के ले आएगा। खो वाहिगुरु, धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। ए भी एहो ही गल दा इशारा है कि सिखा तू हर वेले कुछ ना कुछ सिखदा रह, कदी भी एक गल दे उत्ते खड़ा ना रह, एक गल दे उत्ते खड़ा ना रह, क्योंकि जे तू किसे एक गल दे उत्ते खड़ा रह गया ना, ए सिखिया दी भी ते तेरे विकास दी भी मौत है। आखो वाहिगुरु, हर वेले सिखण दी लालसा रखो, हर वेले नवा करण दी इच्छा रखो, हर वेले प्यारेओ गुरु आशे मुताबक नवा करी जाओ, करी जाओ, आपे फिर गुरु पिता जी तुहाडे सहाई होणगे।